माधोगढ़ विधानसभा सीट के लिए जनसत्ता दल लोकतंत्रीय पार्टी लड़ेगी लोगों के हितों की लड़ाई। बता दें कि जनसत्ता दल के प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह और रजावत ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुरकुर राज प्रताप सिंह और राजा भैया ने जनता के बीच में रहकर समस्या को सुलझाने और समाधान करने का प्रयास किया। जनसत्ता दल ने बता दें कि रामपुरा क्षेत्र के साथ साथ उमरी, जाजपुर, हरौली, नावर और दौर दर्जन अधिक गांवों का जनसंपर्क किया। उन्होंने सबसे ज्यादा क्षेत्रीय विकास की लाइन तैयार करने की बात कही। गरीबों के हित कार्य करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। प्राइम लिखे न्यूज चैनल के लिए डॉक्टर विनोद कुशवाहा, चलो उत्तर प्रदेश। ब्रजेश जी, आज आपने किस किस गांवों में भ्रमण किया है, क्या जन समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, कौन से निकलते हुए अकनीवा, कनासी, कनरी, रैणर, माधोगढ़ में प्रवेश करके सीधा उमरी में आज नगर भ्रमण हमारा था। इसके बाद हम गोहन के बाद शरावन और भी कई स्थानों पर शाम तक का हमारा भ्रमण। जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा यहाँ पर धरातल पर नहीं है, अगर जनता आपको विधायक बनाती है तो कैसी व्यवस्था पटरी पर लाएंगे आप? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। साक्षरता अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान होती है और मनुष्य को सुलभता की ओर लाने ले जाने के लिए मैं आप देखेंगे सारे प्रत्याशियों में एमए पीएचडी हूँ, डॉक्टरेट किया है, वो भी अध्यात्म में किया है। तो मैं ये चाहता हूँ जब तक शिक्षा नहीं होगी वो संस्कार नहीं आएंगे। आज मैं देख रहा हूँ, चाहे वो रोड की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा की हो, ये हमारी माधोगढ़ विधानसभा जितनी बड़ी है क्षेत्रफल में, गाँव में, उतनी ही पिछड़ी है शिक्षा, स्वास्थ्य में, संस्कार। यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है और यहाँ के जिला जालौन के जो भी युवा होते हैं यहाँ से अन्य प्रदेशों में जाते हैं। अगर जनता आपके समर्थन मिल रहा है और विधायक भी बनाएंगे तो आपका क्या रहेगा? देखिए, राजा भैया की पार्टी प्योर युवा पार्टी है और आज अगर आप सबके आशीर्वाद से वह चीज़ हम लोग प्राप्त करते हैं, हालांकि प्रभु का आशीर्वाद, आप सबका प्यार इतना बृहद मात्रा में मिल रहा है कि जीत रिकॉर्ड मतों से होगी और आपको शिकायत नहीं मिलेगी। आप देखेंगे विधानसभा 219 माधोगढ़ उत्तर प्रदेश की उच्चतम विधानसभाओं में अंकित होगी, ये हमारा वादा है। और आप सब भैया जिंदाबाद।